बात करते हैं जो रोड बहुत ही खराब है, तो उसके बारे में, अगर रोड खराब होगा तो एम्बुलेंस कैसे चलेगा सर? रोड तो अभी मौसम क्लाइमेट को तो दे आर सुपर, हमें तो उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। जबकि तूफान आएगा, बारिश है भी बारिश, हमारा इलाका जो है कि ये बॉर्डर का नाते वो हाई एल्टीट्यूड में है, इसमें 60% रेन होता है थ्रू आउट द ईयर। 60% ऑफ द ईयर टाइम जो है कि रेन रेन है, जबकि हैवी रेन होता है, उधर स्नो भी मेल्टिंग होता है, तो तूफान का जैसा लैंडस्लाइड जहाँ तहाँ हो जाता है। तो उसी में तो जो क्लियरेंस रास्ता को जबकि ब्लॉक होता है तो क्लियरेंस करके ही हुई तो करेंगे। तो रास्ता अभी जो है कि आपका आप तो कोलडांग को उत्तर तक तार जो ट्रांस हाईवे का जो रास्ता जो है अभी क्लियरेंस नहीं हुआ, तो ये तो कॉन्ट्रेक्टर का कारण है। एक है कॉन्ट्रेक्टर, एक से दूसरा को सब कॉन्ट्रैक्ट देने में उसी में इन लोग का टाइम लग रहा है। उसी में बोल हम लोग तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा तरफ से, और आपका जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का तरफ से काफ़ी प्रेशर है, कॉन्ट्रेक्टर को दबाव डाल के काम तो करा रहा है। और रेस्ट हम लोग का PMGSY का भी चल रहा है, अभी बारिश सीजन में सब ऑफ रोड हो के काम ही नहीं कर सकता है, इसी टाइप का है। तो हमें PMG कॉन्ट्रेक्टर सब को भी तो इतना तक हम डिटेल में किया कि आप दिन में 12 बजे में अगर धूप होता है तो लेबर तो तैयार करके रखो, 12 बजे में काम करो। लेबर का नियम है कि 8 घंटा है, 8 घंटा एक दिन में 4 घंटा काउंट कर लो हाफ डे, लेकिन काम रुकना नहीं है। तो हमें इस टाइप का मॉनिटरिंग तो कर रहा है, कहीं रुकावट है तो उसको खोलने के लिए कोशिश किया गया जा रहा है। और ये कुरुंग ब्रिज पॉइंट तो प्रिंसिपलों का रोड जो है, एक लास्ट टाइम सिंक हुआ इस ट्रैप में अपोजिट डायरेक्शन में, जो प्रिंसिपल रोड का अपोजिट डायरेक्शन में आपका उसमें रोकी है, ट्रांस हाईवे लोग कटिंग किया गया, वहाँ का पत्थर जो है कि जब नोडी में, कुरंग नोडी में जब कि डंपिंग हो गया, तो नोडी का जो लेवल जो है हाइट उठ गया, तो जिसका कारण उसमें सॉइल एरोजन हो गया। तो उसी में मैंने तुरंत पोकलैंड भेजा है वो जो कॉन्ट्रेक्टर प्रिंसिपल लोग का कॉन्ट्रेक्टर को क्लियरेंस करने के लिए। तो उसी में पोकलैंड ऑपरेटर सरेंडर हो गया, क्योंकि पोकलैंड अंदर में जहाँ में स्लाइडिंग हो रहा है वहाँ घुसेगा तो अंदर में कोकला होके बैठा है, पूरा नदी में चला जाएगा। इसी टाइप का कुछ 1 महीना 2 महीना रुकना पड़ रहा जो थोड़ा सेटिंग होने देखिए। तक हम तो लोग एक्सपेक्ट ना ये अभी तो थ्रो कर दिया उसमें, वो जो जहाँ में जो ब्लॉक पॉइंट है चाहता, जो स्टूडेंट यूनियन लोग ये मुद्दा होता है यहाँ कि आपका जो नर्सिंग जो है, नर्सिंग जो है ट्रांसफर चला गया, और जो नर्सिंग का मुताबिक जो है एज पर एग्रीमेंट को, जो नर्स अपॉइंटमेंट में एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि नॉन ट्रांसफरेबल। तो यानी कि ये जो था डिस्ट्रिक्ट जो जो जिसको जो नर्स जो डिस्ट्रिक्ट से जो क्वालिफाइड वाला को अगर अपॉइंटमेंट करता तो ट्रांसफ़र नहीं होता। तो मैंने डायरेक्टर और मंत्री को भी ये जानकारी दिया है, आप लोग का वो तो थोड़ा एक गलत स्टेप था, आप ट्रांसफ़र इसलिए मांग रहा है कि आपने ये जो उसमें दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो एप्लीकेंट को आप अपॉइंटमेंट करने के कारण में ये चीज़ हुआ है। और ये बेसिकली एवरी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये डायरेक्टर लेवल में भी नहीं होना चाहिए। और उसमें कि नर्सिंग को इसलिए है कि ये एक फ्लेक्सी प्रोग्राम का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लेक्सी प्रोग्राम का अनुसार से नर्स को जो मिशन डायरेक्टर से, मिशन डायरेक्टर हेल्थ से दिया गया है, तो उसी में जो कम जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि नॉम प्रोसीड्योर है कि अपना डिस्ट्रिक्ट से ही चूज करो जी सर, करें। वहाँ पर नॉन ट्रांसफरेबल था लेकिन भी ट्रांसफर किया जा रहा था, उसके रिप्लेसमेंट में कोई भी नर्स और मेडिकल स्टाफ नहीं आ रहा है सर, अभी भी वो काफी अंदर नहीं, स्टाफ अभी हम अभी क्या नहीं, है? नहीं, अभी हमने बोला है कि उसमें नॉन ट्रांसफरेबल है, तो अगर ट्रांसफर किया है तो विथ पोस्ट का नहीं जा सकना चाहिए, क्योंकि वो जो तेज पोस्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर द डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट। अगर अगर आप अगर रिप्लेस नहीं करता है तो आप पोस्ट को ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट पोस्ट इज जो फ्लेक्सी प्रोग्राम का अनुसार में तो एवरी डिस्ट्रिक्ट को कितना नर्स देना चाहिए, यही है। तो
तो अगर ट्रांसफर अगर करता है तो रिप्लेस अगर करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर रिप्लेस नहीं करता तो पोस्ट के साथ जा रहा है, तो सवाल तो बनेगा कि ये डायरेक्टर को ही, डिपार्टमेंट को ही ये जमाबारी है कि किस टाइप से तो उसको एडजस्ट करेगा। तो हम भी तो परस्यू कर रहा है कि आप लोग इसको थोड़ा शॉर्ट आउट कीजिए। इमिडिएटली शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने कह दिया उस दिन, जब कि स्टूडेंट लोग यूनियन लोग ये मुद्दा जब बताया, साथ साथ ही मैं ओवर फोन में बताया था। सोल्यूशन निकला है सर, क्योंकि अभी तक भी अभी काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, दे आर वर्किंग आउट। हम अभी नेक्स्ट वीक तक, आज 17 दिन है, नेक्स्ट वीक तक पूरा जानकारी मिलेगा।